हाँ भाई, इससे पहले दो क्वेश्चन दिए थे, कर दिए थे हाँ। ठीक है, आंसर आ गया था सबका। हाँ। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन नंबर आपका वैसे तो 3 है किताब में, लेकिन भैया मैंने सारे क्वेश्चन आपकी किताब के नहीं करवाए हैं, दूसरी किताब के करवाए हैं। पता क्यों है? क्योंकि सब एक जैसे ही हैं। मेन चीज़ हमें क्या है, फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। कितनी विधि बताई है तुम्हें? 3। रोज नाम बताता हूँ, क्या नाम है? पहले का प्रत्यक्ष विधि, कल्पित मान विधि और तीसरी क्या है? बेटे इस क्वेश्चन को भी हम तीनों विधि से करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है तीनों विधि से आंसर क्या आता है? सबका सेम ही आता। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या निकालते पता है आपको? मध्यमान। अच्छा ये बताइए आप कि कौन कौन तुम्हें ऐसा है जो मध्यमान निकालना नहीं जानता है? कोई ऐसा? अच्छा गोल पे भी नहीं आता, तुम बताता है ना भैया? हाँ। तो बताओ कैसे निकालना, बताओ फिर। हाँ भाई बेटा क्यों ऐसा बोल दो, मध्यमान कैसे निकालते बताओ? पहले इन दोनों को जोड़ना है। अच्छा फिर इसका आधा। अच्छा जोड़ दो, कितना आ रहा भैया? 24 का आधा 12। अच्छा इनका 28 का आधा 14। अब बेटे एक बात मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, यहाँ पे क्या है 11 में एक जोड़ के क्या आ रहा आपका 12, ये क्या है 13, एक जोड़ के आ रहा। तो एवरेज निकालना जरूरी है, यहाँ से ही निकल सकता। तो चेक करके देख लो भैया एक बार, 15 और एक 16, 17 और एक 18, और 19 और एक 20, और भैया 21 और एक 22, और भैया 23 और एक 24। भैया चेक करके भी देख लो ऐसा आ भी रहा है या नहीं। तो भैया 48 हो रहा, हाँ। और 48 का आधा कितना हो रहा आपका 24। तो अगर हम एवरेज करके भी निकालें तब भी हमारा यही आ रहा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 44 आ रहा ना, हाँ। 44 का आधा क्या होता 22। यहाँ पर चेक कर सकते हो आप 40 और 40 का आधा 20, ठीक है भैया। तो ट्रिक से भी आपका क्या हो रहा, सही हो रहा। उसके बाद आपको बतानी है गुणा, जल्दी से भैया आप गुणा बताइए। 12 की 7 से क्या आया आपका? एफ इंटू एक्स आई। 12 सत्ते 84, 14 छन 84, 16 नम्मा 144, और भैया 18 की 13 तक करते गुणा, क्या आया था आपका 234 आया था। उसके बाद ये क्या आपका हो जाता है एफ हो जाता है। उसके बाद कितना आता है भैया 110। अच्छा 24 चौका 96। इतनी बात सबकी समझ में आ गई भैया? अब जल्दी से इसको जोड़ के बताओ क्या आ रहा आपका आंसर। इतने में यहाँ पर ये लिखता हूँ एफ आई बराबर कितना आपका एफ आई, और ये आपका क्या सिग्मा एफ आई, और भैया एक्स आई। जोड़ के बताओ भैया आ रहा है जल्दी से। और हाँ सबसे बड़ी बात भैया ये ऐड मत करना, ठीक है ना। और ये तो आपका अलग है, ये दोनों चीज़ आपको ऐड नहीं करनी है। जल्दी से जोड़ के बताओ क्या रहा आपका जोड़ा बेटे, क्या आया जोड़ के ये बताओ? 44 आया, यानी 44 आपका आया, 44 प्लस एफ। अच्छा ये जोड़ के क्या आया आपका 720 जोड़ा इसमें 20 है आपको यहाँ पर अलग। अच्छा पहले यहाँ पर देखिए एक्स बार था आपका, एक्स बार फॉर्मूला बताओ सिग्मा, ठीक है। ये आपका 18 है, और यहाँ पर कितना आपका 552, वो 752 प्लस 20 एफ, और नीचे क्या है आपका 44 प्लस एफ। भैया इसकी गुणा आपने की होगी 72 और 72 700 कितना है 792, ये आ रहा ना, हाँ। 792 प्लस 18 एफ, और ये आपका है बराबर में 752 प्लस 20 एफ, ठीक है भैया। जब ये आप इधर लाते हो तो ये आपको रहता 18 एफ माइनस के 20 एफ बराबर 752 माइनस 792। अच्छा ये माइनस के कितने बजे भैया आपके 2 एफ, ये बताओ ये कितने बजे 0 4, ठीक है भैया। तो ये आपका आ रहा है माइनस के माइनस माइनस आपको कट जाता है 40/2 बेटे 20 आंसर आपका आ रहा होगा, नोट कर लो भैया। अच्छा हाँ भाई इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में माध्यमान आपका निकालना। पहले बेटा यहाँ पर देखिए माध्य निकालना ना, एक्स बार की वैल्यू सबसे पहले मध्यमान निकालते हैं। यहाँ पर देखिए, अच्छा पहले इसका सिग्मा एफ आई की वैल्यू देखते हैं क्या है आपका। यहाँ पर देखो छः तीन नौ और 9 8 कितने 17 17 और 7 24 और 24 और 6 30। बेटे 31 मिनट बता दो 30 आपको आ गया ठीक है। उसके बाद क्या बेटे शांत हो जाओ, यहाँ पर देखो मध्यमान हमें निकालना। मध्यमान क्या बताया था, इन दोनों जोड़ो और उसका क्या कर दो आधा। 65 और 68 होते हैं हमें कितना 133 और उसका आधा कितना होता है आपका 66 मतलब 5। मतलब यहाँ पर आपका क्या आना 66.5। अब एक बात और देखो, इन दोनों का और एवरेज निकालो। क्या है आपका 9 और भैया ये कितना जाएगा 13 आपका 11 कितना 2 6 12 और 2 9 18 यही तो आगा ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हें एक चीज देखने को मिली होगी। सबसे पहले ये आपका आ गया, यहाँ पर 1 जाता है और 0.5 यानी 1.5 जाता है, यहाँ पर आ रहा है 1.5। बस समझ में नहीं आई तुम्हारी। देखो यहाँ पर देखो, अगर हमारे 65 था, हमारे पास 65 था, 65 में अगर मैं कितना जोड़ूँ भैया, ऐसे तो लिख सकता है जब तो 65 ही है। अगर मैं यहाँ पर 1.5 जोड़ देता हूँ तो बताओ ये आ गया नहीं आ गया। हमारे पास क्या था वहाँ पर 68 था, 68 में अगर 1.5 जोड़ दूँ तो आपका ये आ गया है या नहीं आ गया। देखो ये आ रहा, तो भैया इसी ट्रिक से अगर हम काम करें तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 72.5। यहाँ पर क्या आना चाहिए 75.5। यहाँ पर क्या आना चाहिए 78.5 और यहाँ पर 81.5 और यहाँ पर भैया 84.5। बेटा अगर आप ऐसे एवरेज निकालोगे ना तो काफ़ी टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, अब पीछे भी आप हो जाओगे ठीक है ना। अब करना क्या है, गुणा करनी। गुणा करी भैया किसी ने? पहली वाली गुणा बताओ। देखो 133 आएगा ठीक है ना। उसके बाद गुणा करते हैं इसकी, यहाँ पर देख लो ये है ना, 4 से गुणा करो, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 9 36 2 38 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 कितने होते हैं भैया आपके 27। तो ये आपका हो जाता है, अब तुम कहोगे भैया ये काम भैया पॉइंट भी था ना, तो पॉइंट हमने ये लगाया था, डायरेक्ट हम इसको ये भी लिख सकते हैं। अच्छा ये करो 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, उसके बाद 3 सत्ते 21 यही आ रहा ना भैया, मैच करते रहना आप। 8 पंजे हाँ बेटा पॉइंट नहीं लगता ना, बेटा बताया तो था पॉइंट के बाद जो है 0 है, और 0 को कोई मान होता नहीं है ठीक है। तो उसको लिखो या मत लिखो, बात एक ही है। 8 पंजे 40 और जैसे यहाँ पर 0 आया तो यहाँ पर भी हम हटा सकते हैं ठीक है ना। तो 8 पंजे 40 तो हटा सकते हैं ना, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 पंजे 40 4 44 हासिल 4 और 8 सत्ते कितना होते हैं 56 56 4। अब देखो यहाँ पर पॉइंट है तो इसको भी हटा सकते हो, बताओ हटा दूँ या ऐसा कर लो, यहाँ पर ऐसे इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। अच्छा 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 अट्ठे 56 और 3 कितने होते हैं भैया आपके हासिल 5, 7 सत्ते 49 और कितने जोड़ना आपके 5 कितने हो जाते हैं आपके 54। उसके बाद यहाँ पर करो 4 पंजे कितने होते हैं आपके 20, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 1 4 2 6, 4 अट्ठे कितने होते हैं आपके 32। उसके बाद ये इसका करो आप, क्या रहा आपका 2 पंजे 10 ये आपका 9 हो गया और 2 अट्ठे 16 यही है ना। एक बार भैया इसको आप ऐड करके बताओ क्या आया आपका, ऐड करो जल्दी। यहाँ पर देखो बेटा जोड़ आपकी सही आई नहीं 2277। अब यहाँ पर देखो पॉइंट 0 मैंने क्या बताया, अगर पॉइंट के बाद 0 है तो उसको हटा भी सकते हैं, तो आपका क्या आ रहा है भैया 2277। अब देखो यहाँ पर देखिए बेटा कैलकुलेशन मैंने आपसे पहले बताई थी, कैलकुलेशन आपको तेज करनी होगी इन क्वेश्चनों के लिए ठीक है ना। आपका है सिग्मा FI इंटू FI और सिग्मा FI। अच्छा सिग्मा सिग्मा का है x बार बराबर, अच्छा क्या है 2277 अपॉन क्या है आपका 30। अब यहाँ पर देखिए 3 से हम काटते हैं, 3 ढाई 30, 3 सत्ते 21 हासिल 1, 3 पंजे 15 हासिल 2, 3 नम 27 तो भैया आपका आता है 759.10। भैया नीचे कितने 0 हैं, तो एक संख्या पहले आप दशमलव लगा सकते हो। सलोनी चेक करो आंसर सही है गलत ठीक है, नोट करो। भैया ये क्वेश्चन मैंने आपको कितने बताए? 3 विधि से बताए थे ना। बेटा इसके बाद जो 2 विधियां आपकी घर से, 2 विधि भैया वे आपको घर से करनी है। ऐसा क्यों? कैलकुलेशन जाते भाई। ये क्वेश्चन तुम्हें पता ही है, दशमलव में जो क्वेश्चन आ गया वो तुम्हारे लिए हार्ड भी हो सकता। तो भैया इसका जो 2 विधियाँ उसकी तुम्हें कहाँ से करके लाने, घर से करके लाने हैं। और दोनों के जब आपका आंसर मैच हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जज करना, ठीक है भैया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा हुआ। यहाँ पर देखो भैया ये क्वेश्चन है और हमें क्या निकालना? माध्य। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, ये माध्य में तीनों विधि से निकालना। बोलो तीनों विधि का नाम बताओ। निखिल ये बताओ, विचित्र पता है, बता दो नाम, बता दो। प्रिंस भैया प्रत्यक्ष विधि है ना, और कल्पित विधि और पग विचलन विधि, ठीक है। मतलब तीनों विधि का मैं आंसर चाहिए, ठीक है ना, तीनों विधि का मैं आंसर चाहिए। तो मिलते हैं कल को नेक्स्ट। अच्छा ये बताओ पहले समझ में आ रहा आपको? ये कोई बात समझ में आ रही? और मैंने कुछ याद करने दिया बेटे, 25 तक वर्ग और 20 तक पार। पक्के कल को बेटा आपसे सुने जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।